अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है, बकरा ईद आके चली गई है। और सबके घर में गोश्त है। आज मैं बकरा ईद स्पेशल गोश्त का सालन बनाने जा रही हूँ। सोचा कि आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो मैं ये सालन को कुकर में बना रही हूँ। तो मैंने कुकर ले लिया है, अपने हिसाब से मैंने तेल डाला है, क्योंकि गोश्त में भी बहुत चर्बी रहती है, तो उसका भी बहुत तेल निकलता है। इसलिए आप आपके हिसाब से तेल ऐड करें, ज़्यादा तरी नहीं आ जाए। और मैं उसमें जीरा ऐड कर रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं, मेरी गैस की फ्लेम स्लो है, नहीं तो फास्ट फ्लेम पे मेरा जीरा जल जाएगा। और मैंने यहाँ पे शाहजीरा भी थोड़ा सा डाला है, और कुछ खड़े मसाले लिए हैं मैंने, वो ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे 30 सेकंड्स के लिए मैं इसे फ्राई कर लूँगी। देन मैंने यहाँ पे 4 बड़ी साइज के ऑनियन लिए हैं। ऑनियन को अभी मैं फ्राई कर लूँगी। इसे हमें एकदम गोल्डन फ्राई नहीं करना है, लाइट पिंक होने तक हमें इसे फ्राई करना है। और 4 बड़ी मिर्ची भी डाल दी है मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर भी यूज़ करने वाली हूँ। तो आप आपके हिसाब से तेज़ जितना खाते हो उतनी मिर्ची लीजिए। मैं यहाँ पे 4 मिर्ची ली हूँ, और आप देख सकते हैं मेरा ऑनियन लाइट पिंक होने लग गया है। इसे हमें स्टर करते रहना है। और साइड में मैंने ये गोश्त लिया है, गोश्त को मैं वॉश करके रखूंगी अभी। और मेरा कांदा लाइट पिंक हो गया है। अब मैं इसमें 3 टमाटर ऐड करूंगी। टमाटर के पिघलने तक के हमें इसे भून लेना है। जैसे ही हमारे टमाटर पिघलने लगेंगे, फिर मैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच लिया है, आप आपके हिसाब से लीजिए। और अब मैं इसे भी अच्छी तरीके से भून लूंगी, जब तक कि अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन ना चला जाए। आप देख सकते हैं मेरे टमाटर पिघलने लग गए हैं। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच जितनी दही ऐड करूंगी। और अभी मैं इसे स्लो फ्लेम पे से भी भून लूंगी। आप जब भी दही ऐड करेंगे ग्रेवी बनाने में, तो आपको सबसे पहले आपका फ्लेम स्लो करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे हम दही ऐड करते तो दही एकदम अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होती और उसकी तरी तरी ऊपर दिखने लग जाती है। इसलिए हमेशा आप याद रखिए, ध्यान में रखिए कि हमें स्लो फ्लेम पे ही दही को ऐड करना है। जब हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून जाए, फिर मैंने इसमें गोश्त ऐड किया है। आप देख सकते हो गोश्त पर चर्बी, इसलिए मैंने तेल कम ही यूज किया था, क्योंकि अभी ये सब पिघल के तेल बन रहे हैं। और अब मैं इसे भी अच्छी तरीके से भून लूंगी। अब तक के मैंने ड्राई पाउडर्स अभी इसमें ऐड नहीं किए हैं, अब मैं आगे ऐड करूंगी। पहले मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ा सा भून लूंगी। ये सालन की एक ही स्पेशल बात है, आप इसको जितना अच्छी तरीके से भूनोगे, मसाले में जितना इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स करोगे भूनोगे, वो उतना आपके सालन का टेस्ट बाहर निकल कर आएगा, उतना ये खाने में टेस्टी रहेगा। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, और मैंने इसमें खड़ा मसाला भी ऑलरेडी ऐड किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ही खड़ा मसाला गरम मसाले को ऐड किया है, और 1/2 टेबल स्पून हल्दी, और ये धनिया पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 टी स्पून धनिया पाउडर को ऐड किया है, और ये रेड चिली पाउडर में 2 चम्मच डाल रही हूँ, बिकॉज मैंने लाल मिर्ची पाउडर कम ही डाल रही हूँ, बिकॉज मैंने हरी मिर्ची भी डाले है 4, तो वो ज़्यादा ना फीका हो जाए, इसलिए मैं
मिर्ची पाउडर अपने हिसाब से डाल रही हूँ और अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अनुसार जितना हम नमक खाते हैं। और अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे गोश्त सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से और इसे हम और अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं गोश्त में पानी भी छूट चुका है। मैंने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छी तरीके से भूनी हूँ और अब मैं कुकर की सीटी लगाऊंगी। सो हमें ज़्यादा सीटी नहीं लगाना है, 4 से 5 सीटी ही लगाएंगे बिकॉज हमने गोश्त अच्छी तरीके से भूना भी है और यह हमारी रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, स्पेशल गोश्त सालन। Thank you for watching my video. Bye-bye. Like, share and comment.